प्रधानमंत्री ने आदिम जनजाति के विकास और कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम जनमन के लाभार्थियों से किया संवाद। आवास योजना की पहली किस्त जारी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा गुमला में लाभार्थी कार्यक्रम में हुए शामिल। पशुपति नाथ पारस खूंटी में हुए शरीक। राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने साहेबगंज में कार्यक्रम में लिया हिस्सा। बोकारो में 16 साइबर अपराधी गिरफ्तार। कई चीजें जब्त। चतरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में उग्रवादी हुए पत। घने जंगल की ओर जान बचाकर भागे। भारी मात्रा में हथियार बरामद। और भारत मौसम विज्ञान केंद्र के स्थापना दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित। रांची केंद्र में समारोह पूर्वक मना स्थापना दिवस। वक्ताओं ने उपलब्धियों का किया जिक्र। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सुरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत आवास योजना के लाभार्थियों के लिए पहली किश्त जारी की, साथ ही लाभार्थियों से संवाद किया। आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत आज झारखंड समेत देश भर में मेगा कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से लाभार्थियों से संवाद किया, साथ ही पीएम आवास योजना ग्रामीण की पहली किश्त जारी की तथा अन्य सौगात दी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की चर्चा करते हुए कहा कि जनजातीय समाज के उत्थान के बिना विकास की अवधारणा पूर्ण नहीं हो सकती। भगवान श्री राम भी माता शबरी के बेर खाकर तथा वन में निवास करने वालों के सानिध्य में रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बने। दशरथ पुत्र राम, दीनबंधु राम तभी बने सके जब उन्होंने आदिवासी माता शबरी के बेर खाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि योजनाओं का लाभ सही अर्थों में पिछड़े आदिम जनजाति समुदाय तक पहुंचाने के लिए सरकार ने नियमों को शिथिल किया है। अब पीएम जनमन महाअभियान में हमारी सरकार ने ऐसे सभी नियम बदल दिए हैं जिससे आपको परेशानी होती थी। प्रधानमंत्री के इस संवाद कार्यक्रम से गुमला से जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी जुड़े। इस दौरान उन्होंने बताया कि पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के माध्यम से पिछड़े आदिम जनजातीय समुदायों के विकास की कवायद शुरू हुई। उन्होंने बताया कि इसके लिए लगभग 24,000 करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। पीएम जनमन योजना के तहत 2 महीने के अंदर 8,000 से अधिक शिविरों का आयोजन हुआ है। विकसित भारत संकल्प एवं जो सबसे पिछड़े क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले सुदूरवर्ती जन आबादी, जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से लगातार प्रयत्न करते हुए आज 2 महीने के अंदर 8,000 से अधिक कैंप लगाए गए। संवाद कार्यक्रम के तहत देश के 15 राज्यों के 100 जिलों में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए। गुमला से दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार देश के जनजातीय इलाकों में 1,000 ऐसे केंद्र बनाने की कोशिश कर रही है जिसमें एक ही इमारत में सरकार की कई सुविधाओं का लाभ जनजातीय समुदाय को मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समुदाय के विकास और कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई है। पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअल तरीके से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि जनजातीय कल्याण की बजट राशि को 5 गुना बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि सरकार देश के जनजातीय इलाकों में 1,000 ऐसे केंद्र बनाने की कोशिश कर रही है जिसमें एक ही इमारत में सरकार की कई सुविधाओं का लाभ जनजातीय समुदाय को मिल सके। सरकार की सुविधाएं एक ही इमारत में देना भी उतना ही जरूरी होता है, इसलिए सरकार की कोशिश ऐसे 1,000 केंद्र बनाने की है जहां एक ही जगह आपको कई योजनाओं का लाभ मिल जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिकल सेल के उन्मूलन के लिए सरकार ने बड़ा अभियान शुरू किया है ताकि यह बीमारी जड़ से समाप्त हो। विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रम में पिछले 2 महीने में 40 लाख से ज्यादा लोगों की सिकल सेल के लिए जांच हुई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी सिकल सेल की जांच की जा रही है। पिछले 2 महीनों में 40 लाख से ज्यादा लोगों का
सिकल सेल परीक्षण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि आदिवासी बच्चों के शिक्षा और समग्र विकास के लिए देश भर में 500 से ज्यादा नए एकलव्य स्कूल बनाने की पहल हुई है। हमने बीते 10 साल में 500 से ज्यादा नए एकलव्य मॉडल स्कूल बनाने का काम शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संवाद कार्यक्रम से गुमला की शशि किरण भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ी और केंद्र सरकार की मदद और प्रोत्साहन से जीवन में आए सुखद बदलाव की चर्चा की। हमारे परिवार में रोड हमारे परिवार में हमारे गांव में रोड मिली है, हर घर जल योजना के तहत पानी मिला है सर, और बिजली मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संवाद कार्यक्रम से देश के अन्य हिस्सों से भी आदिम जनजाति के लोग जुड़े और सरकार के कामकाज और संवेदनशीलता की प्रशंसा की। गुमला से दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने वाली गुमला के शशि किरण काफी हर्षित है। उनके लिए यह सपने के सच होने जैसा है। अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में बताइए। जी सर, मेरा नाम शशि किरण ब्रिजिया है। मैं टोटो पानी पहुंचा अभिपाल थाना बिशुनपुर जिला गुमला राज्य की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में 7 लोग हैं सर। मैं, मेरा पति, 2 बेटा बेटी और एक भाई और माता पिता है। मैं समूह में जुड़ी हूँ और फोटो कॉपी मशीन खरीदी हूँ सर, और सिलाई मशीन और किसी का कार्य में काम करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से बात कर पाऊंगी, क्योंकि हमारे लोग ऐसे होते हैं कि जंगल पहाड़ में हम लोग रहते हैं और कभी हम बड़े लोगों से नहीं मिल पाते हैं। लेकिन ये जो आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे पीएम जनमन योजना आज जो चला रहे हैं, उनके द्वारा हम आज उनके लाभ ले पा रहे हैं और आज हम बात किए, बहुत बहुत अच्छा लगा हमको। हाँ, क्योंकि हमारे गुमला जिला में सभी जगह पाए जाते हैं हमारे आदिम जनजाति के लोग, और हमारे जिले के जो सर हैं वो लोग हमारे तक पहुंचाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं सारी योजनाओं को, और हमारे लोग इन सारी योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं। पीएम जनमन अभियान के तहत कार्यक्रम में भाग लेने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे साहिबगंज पहुंचे। वहीं केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस ने खूंटी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने साहिबगंज जिले के तालझारी प्रखंड अंतर्गत बड़ा दुर्गापुर पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पीएम जनमन योजना के लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से आच्छादित किया। इस दौरान श्री चौबे ने मेडिकल एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और वंचित वर्गों के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। उनकी चिंता करके और उनको कैसे अंतिम समाज के अंतिम पौदान पर बैठे हुए व्यक्ति, गरीब, युवा, जो प्रवासी क्षेत्र है, उनको उसका भरपूर लाभ मिले, इसका पूरा प्रयास है। उधर खूंटी के अड़की प्रखंड मुख्यालय परिसर में भी पीएम जनमन के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण सह उद्योग मंत्री पशुपतिनाथ पारस बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। श्री पारस ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार आदिम जनजातियों के समावेशी और सतत विकास के लिए प्रयत्नशील है, और खास करके जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनके हित की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिल से किया। और आज आपने उनके भाषण को सुना होगा और आपने देखा होगा कि एक एक बिंदु पर उन्होंने अपनी बात को कही। पीएम का संबोधन सुनने के लिए अड़की में तेलंगा डीह और सोसोकुटी के बीरहोरों के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद थे। हमारे गांव जगह से लगभग थोड़ा मेन रोड तक कच्चा सड़क है, बना था लेकिन खराब हो गया है, उसी का थोड़ा हम लोग तकलीफ होता है तो थोड़ा बना दीजिएगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूंटी से ही पीएम जनमन महाभियान की शुरुआत की थी। 2 महीने की अवधि में यह महाभियान पिछड़े आदिम जनजातीय समुदाय के जीवन में कई तरह के सुखद बदलाव लाने में सफल हुई है। साहिबगंज से संजय गुप्ता और खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। साहिबगंज के दुर्गापुर पंचायत फुटबॉल मैदान में आयोजित पीएम जनमन कार्यक्रम में लोगों की जबरदस्त भागीदारी दिखी। इस दौरान आदिम जनजाति समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना और केंद्र सरकार के कामकाज की तारीफ की। मौके पर जिले के प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की समन का फिर जवाब दिया है। सीएम सचिवालय का कर्मचारी एक लिफाफा लेकर आज ईडी के हीनो स्थित कार्यालय पहुंचा। समझा जा रहा है कि इसमें मुख्यमंत्री की ओर से ईडी को जवाब दिया गया है। ईडी ने अपने समन में मुख्यमंत्री को 16 से 20 जनवरी तक हाजिर होने के लिए पत्र लिखा था।
प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह की मौजूदगी में एक बैठक हुई। इस दौरान पार्टी संगठन की मजबूती और समसामयिक विषयों पर मंथन हुआ। नए मतदाताओं को भी पार्टी से जोड़ने को लेकर विमर्श हुआ। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साहिबगंज दौरे के दौरान मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इसमें सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर स्थानीय विधायक अनंत ओझा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा बोकारो में लगातार भ्रमणशील है। चैनपुर पंचायत क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रदेश प्रभारी सह केंद्र सरकार के अपर सचिव सुनील वर्णवाल और विधायक वीरेंद्र नारायण भी शामिल हुए। विकास योजनाओं का लाभ जनमानस के घरों तक पहुंचाने के लिए बोकारो में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ लगातार भ्रमणशील है। मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी जिले के चैनपुर पंचायत स्थित एक स्कूल परिसर में भी पहुंची, जहां ग्रामीणों ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रदेश प्रभारी सह केंद्र सरकार के अपर सचिव सुनील वर्णवाल और विधायक वीरेंद्र नारायण भी उपस्थित थे। आगे किसी पहले किसी प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं सोचा कि हमारी जो बहनें हैं जो चूड़ा जलाने का काम करती हैं, हमारी माताएं चूड़ा जलाने का काम करती हैं, उनका भी कलेजा जलता है और इसीलिए मोदी जी ने घर घर चूड़ा पहुंचाने का काम किया। हर एक पंचायत में इस तरह का एक बहन जाता है, सभी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और साथ साथ सभी योजनाओं का पूरे पंचायत को संपूर्ण रूप से लाभान्वित करने का प्रयास किया जाता है। इस दौरान लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत केंद्र प्रायोजित योजनाओं के फायदे बताए तथा जीवन में आए बदलावों की चर्चा की। हम लोग को सबको राशन मिलता है, फिर राशन के तरह से हम लोग के बाल बच्चा का पोषण पालन पोषण हो रहा है। को हम जो मतलब बैंक जाने में असुविधा होती थी, वो सुविधा को हम यहाँ देने लगे, सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी। स्थानीय लोगों ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार की संवेदनशीलता से उनकी मुश्किलें कम हुई हैं। तो मैंने डॉक्टर के यहाँ गया था, हमको पैसा मांगा गया, मेरे पास पैसा नहीं था। आयुष्मान के तहत से मेरा फ्री इलाज हुआ। तो बहुत दिक्कत होता था, बहुत कष्ट होता था, बीमारी फैलता था। अब उज्ज्वला वाला गैस मिला है, अब हमको खाना बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। मौके पर मौजूद कई लोगों को विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं से आच्छादित किया गया तथा परिसंपत्तियों का वितरण हुआ। सबों ने एक स्वर में भारत को साल 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। एक ओर जहां 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इस पल का साक्षी हर कोई बनना चाहता है। इस आकांक्षा की पूर्ति शायद सभी के लिए संभव नहीं है, तो विकल्प के तौर पर राम भक्तों के वास्ते झारखंड के साहिबगंज में अयोध्या राम मंदिर के तर्ज पर राम मंदिर का प्रारूप बनाया जा रहा है। अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी को श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर झारखंड के साहिबगंज में इस कदर उत्साह है कि जो लोग अयोध्या दर्शन को फिलहाल नहीं पहुंच पाएंगे, उनके लिए भारतीय कॉलोनी गर्ल्स हाई स्कूल के पास अयोध्या राम मंदिर के तर्ज पर कागज, फोम और थर्मोकोल से विशाल राम मंदिर का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। कार्यक्रम के आयोजक सह भाजपा किसान मोर्चा के नेता बजरंगी प्रसाद यादव ने बताया कि यहां भव्य मंदिर के साथ भगवान श्री राम की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। लोग जो अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए साहिबगंज में एक दर्शन के लिए या पूजन के लिए ये 15 तारीख से 22 तारीख तक इस मंदिर में पूजा और श्री राम कथा या अखंड रामायण कार्यक्रम या महाआरती होगा। राम मंदिर प्रारूप का निर्माण झारखंड के कलाकार श्याम विश्वकर्मा के देखरेख में कोलकाता से आए कलाकारों द्वारा किया जा रहा है। यहां 15 जनवरी से 22 जनवरी तक रोजाना शाम में महाआरती होगी, साथ ही मंदिर को भव्य बनाने के साथ यहां भक्तिमय माहौल भी तैयार किया जा रहा है। राजस्थान का जो बलवाही पत्थर है, उसको कलर को मैंने ध्यान में रख के इसका निर्माण करके इसमें राम दरबार भी है और इसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 35 फीट और 25 फीट ऊंचा, इसमें राम श्री राम जी का भव्य कटआउट भी लगा रहे हैं 20-22 फुट का। अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी को श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनने की हर दिल में तमन्ना है, लेकिन अयोध्या धाम शायद हर किसी के लिए फिलहाल पहुंच पाना संभव नहीं होगा। ऐसे में राम भक्त जरूर साहिबगंज के इस श्री राम मंदिर के प्रारूप का दर्शन करना चाहेंगे। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। इधर गुमला जिले के विशुनपुर विकास भारती के सचिव पद्मश्री अशोक भगत को अयोध्या जी आने का निमंत्रण मिला है। श्री भगत ने कहा कि वे 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा में अवश्य
शामिल होंगे। के साथ हम लोगों की पूरी हुई है और राम मंदिर को लेकर क्या बात कही जा सकती है। राम हमारे आराध्य हैं और ये दुर्भाग्य रहा है हमारे देश का कि हम लोग इसको स्थापित नहीं कर पाए थे और आज सैकड़ों वर्ष की साधना, हजारों वर्ष का जो विक्षोभ था पूरा हुआ है। साधना के प्लस रूप राम मंदिर बन रहा है। अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने तीर्थस्थलों और मंदिरों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने का आह्वान किया है। अभियान के दूसरे दिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज साहिबगंज स्थित मुक्ति धाम मंदिर परिसर के स्वच्छता कार्यक्रम में श्रमदान किया। चतरा जिला अंतर्गत प्रतापपुर थाना क्षेत्र के अनगड़ा जंगल में सुरक्षा बलों और टीएसपीसी उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी घने जंगलों की ओर भाग गए। सर्च अभियान में सुरक्षा बलों को दो देशी राइफल समेत हथियारों और गोलियों का जखीरा मिला है। पूरे इलाके में सर्च अभियान जारी है। इधर बोकारो में पुलिस ने साइबर अपराधियों को तीखी चोट दी है। पुलिस ने 16 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 45 मोबाइल, 13 सिम कार्ड, कई बार कोड, नकली नोट समेत कई चीजें बरामद की गई हैं। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र अपनी स्थापना के 150 पूरा करने जा रहा है। आज हम आपको इसके गौरवशाली अतीत, उसकी उपलब्धियों और भविष्य के उसके अडिग और ठोस इरादों से रूबरू कराते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र देश की उन पुरानी संस्थाओं में भी काफी व्यस्क है जो आजादी से पहले देश में स्थापित हुए। शायद आपको हैरत हो कि भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र अपना 150 वर्ष का सफर पूरा कर रहा है। यह लंबा सफर चुनौतियों से भरा तो जरूर रहा, लेकिन कई चुनौतियों और विषमताओं के बावजूद केंद्र ने समय समय पर तकनीकी रूप से स्वयं को दक्ष किया और विभिन्न जरूरतों के हिसाब से हमेशा खड़ा उतरता गया। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद बताते हैं कि देश की आजादी के 7 दशक से भी पहले ब्रिटिश काल में स्थापित इस केंद्र का असल विकास देश की आजादी के काफी बाद शुरू हुआ, जब सन 1965 के भयंकर अकाल को देश ने देखा और देश में एक ऐसी संस्था की जरूरत बहुत ही शिद्दत से महसूस हुई। ये अंग्रेजों के टाइम में इसका शुरुआत हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा इसका शुरुआत हुआ था। 150 साल का सफर है, ये काफी लंबा सफर रहा और लोगों की जरूरतों के हिसाब से और अलग अलग विभिन्न सेक्टरों की जरूरतों के हिसाब से अपने आप को ढाला। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र का पहला मुख्यालय शिमला में स्थापित हुआ। इसके बाद पूना और फिर देश की राजधानी दिल्ली लाया गया, जहां देश का गौरव यह मुख्यालय आज भी बड़े शान से अपने कर्तव्य का बखूबी निर्वहन कर रहा है। पहले देश के गिने चुने स्थानों पर इसके वेब सेंटर होते थे, जहाँ पूरी तरह मैनुअली सारे काम काज होते थे। कालांतर में इसमें कई बड़ी तकनीकी बदलाव हुए और इसे WMO के दायरे में लाया गया। वर्तमान में हमारा मौसम विज्ञान केंद्र वैश्विक स्तर पर दुनिया के श्रेष्ठ केंद्रों में से एक है। तो आजादी के बाद से रडार का भी चलन थोड़ा सा देखने को मिला था और जो 80 के दशक में फिर हमने देखा कि सैटेलाइट जो है इनसेट सैटेलाइट, इनका भी चलन देखने को मिला और 90 के दौरान के बाद से इसमें काफी तेजी भी आई। अभिषेक आनंद बताते हैं कि देश की आजादी के बाद मौसम विज्ञान केंद्रों में रडार का चलन शुरू हुआ। आगे 90 के दशक में इसे इसरो के मौसमी सैटेलाइट से जोड़ दिया गया। इसके बाद अनेक चरणों में सैटेलाइटों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण इसकी कार्य क्षमता में कई गुना इजाफा हुआ। इसमें सैटेलाइट जो इसरो के द्वारा जो मौसमी सैटेलाइट है उसमें भी आपको बढ़ोतरी, नंबर में भी बढ़ोतरी देखने को मिली और उनके जो वेवलेंथ है उनकी जो मापक क्षमता है उनमें भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिली। आज भारत में मौसम पूर्वानुमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद भी ली जा रही है, जिसमें मौसम पूर्वानुमान काफी सटीक हो पाया है। साइक्लोन फोरकास्ट में आए जबरदस्त सुधार की वजह से प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान में भी काफी कमी आई है। इस दिशा में भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र आज दूसरे कई पड़ोसी देशों की मदद भी कर रहा है और ये देश भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। ये पूरे अगर हम लोग भारतीय महाद्वीप की बात करें तो सारे देश हमें बहुत अच्छी नजर से देखते हैं। भारत सबकी मदद करता है।
भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र की तरक्की का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज हम कभी भी और कहीं से भी अपने मोबाइल फोन पर ही मौसम पूर्वानुमान की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां मौसम पूर्वानुमान की जरूरत नहीं हो। कृषि, फिशरीज, सिंचाई, एविएशन, शिपिंग, रेलवे, आपदा या फिर खेल जैसे कई क्षेत्रों में तो इस पर पूरी निर्भरता है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र का लक्ष्य देश के एक एक व्यक्ति तक पहुंच बढ़ाना है और उनको अपने स्थानीय भाषा में मौसम की जानकारी देना है। सचेत का ऐप है या मौसम विभाग जो सचेत में वार्निंग देता है, ये तत्काल तुरंत लोगों के पास में जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के पास से थ्रू लोगों को ये तत्काल जाता है, जिससे लोग थोड़ा सा जागरूकता भी होगा और लोग सावधानी भी बरत पाएंगे। समय के साथ बदलती जरूरतों ने 150 वर्षों के सफर में काफी कुछ सीखने का मौका भी दिया, लेकिन आने वाले वक्त में चुनौतियां और भी बड़ी होने वाली है, क्योंकि भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने देश के लोगों को उसके प्रति उम्मीद और भरोसे को काफी बढ़ा दिया है। हालांकि भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ऐसे सभी चैलेंज को खुशी खुशी स्वीकारता है। रांची से अवधेश गौतम के साथ मैं दिवाकर कुमार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आदिम जनजाति के विकास और कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम जनमन के लाभार्थियों से किया संवाद। आवास योजना की पहली किस्त जारी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा गुमला में लाभार्थी कार्यक्रम में हुए शामिल। पशुपतिनाथ पारस खूंटी में हुए शरीक। राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने साहेबगंज में कार्यक्रम में लिया हिस्सा। बोकारो में 16 साइबर अपराधी गिरफ्तार। कई चीजें जब्त। चतरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में उग्रवादी हुए पस्त। घने जंगल की ओर जान बचाकर भागे। भारी मात्रा में हथियार बरामद। और भारत मौसम विज्ञान केंद्र के स्थापना दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित। रांची केंद्र में समारोह पूर्वक मना स्थापना दिवस। वक्ताओं ने उपलब्धियों का किया जिक्र।